राजस्थान में 15 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर देखा जा रहा है उत्साह। टीकाकरण के साथ प्रधानमंत्री का आभार जता रहे हैं लाभार्थी किशोर। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों में कोविड रोधी टीकाकरण में चूरू जिला अव्वल। महिलाओं में भी टीकाकरण के प्रति दिखी जागरूकता। विभिन्न विभाग वैक्सीनेशन जागरूकता पर दे रहे हैं जोर। हनुमानगढ़ जिले में जिला प्रशासन की ओर से लोगों को किया जा रहा है कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण को लेकर जागरूक। जिला कलेक्टर ने घर घर टीकाकरण के लिए वाहनों को किया रवाना। श्रीगंगानगर में कोविड 19 महामारी से बचाव के लिए तीसरी बूस्टर डोज का लगाया गया टीकाकरण शिविर। गंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने लोगों से आगे आकर टीकाकरण करवाने का किया आह्वान। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दौसा में पुलिस और प्रशासन चौकस। एडीजी के नेतृत्व में पुलिस और प्रशासन के साथ चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं का लिया जायजा। सीकर जिले में कल वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दुकानदारों ने किया पूरा सहयोग। पुलिस ने दिखाई सख्ती। सड़कों पर गुजर रहे वाहन चालकों से की पूछताछ। झुंझुनू जिले के खेतड़ी स्थित नवरंगपुरा निवासी जल सेना में नायक अनिल कुमार हुए शहीद। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना। नया बोर्ड बनने के बाद दौसा जिला परिषद की हुई पहली साधारण सभा की बैठक। जिला प्रमुख के साथ महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश भी रही बैठक में मौजूद। जयपुर की पुरस्कार विजेता रिहैब फिजिशियन डॉक्टर पूजा मुकुल दिखाई दी द प्राइस ऑफ चीप में। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री। बूंदी में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा इम्यूनिटी बूस्टर वितरण अभियान के तहत किया जा रहा है औषधि युक्त काढ़े का वितरण। जिला कलेक्टर ने काढ़ा पिलाकर किया शुभारंभ। सीकर के रींगस में ग्रामोदय विद्यापीठ छात्रावास में समाज सुधारक शिवलाल जाटावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में किए गए योगदान को लोगों ने किया याद। प्रदेश के सभी जिलों में पेयजल जांच प्रयोगशालाओं को मिला एनएबीएल एक्रेडिटेशन। जलदाय मंत्री ने विभाग की विशिष्ट उपलब्धियों पर दी कार्मिकों को बधाई। पुलिस महानिरीक्षक प्रशिक्षण लक्ष्मण गौड़ ने 12 में कोविड रोकथाम के उपायों की समीक्षा। वैक्सीनेशन सैंपल कलेक्शन और जागरूकता के लिए अधिकारियों को किया पाबंद। जयपुर के मौसम विज्ञान केंद्र को देश के सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का मिला अवार्ड। भारत मौसम विभाग के 147वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिया गया अवार्ड। और हनुमानगढ़ में कोहरा और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित। किसानों को पाला पड़ने से फसलों की चिंता ने घेरा। सर्दी से बचने के लिए कर रहे अनेक जतन।